हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी मंच पर पधार चुके हैं। मैं उनका वागड़ की धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब और हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्मान्य टीकाराम जूली साहब से निवेदन करूंगा कि वो खड़गे साहब का और राहुल जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं सम्मान्य सचिन पायलट साहब से, सम्मान्य सीपी जोशी साहब से आग्रह करूंगा कि वे भी खड़गे साहब का और राहुल जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे अर्जुन बामनिया जी, नानालाल निनामा जी, रमीला खड़िया जी सबसे निवेदन है, रमेश पंड्या जी से, कि वो हमारे अतिथियों का माल्यार्पण एवं पगड़ी के द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। मैं इस अवसर पर सम्मान्य सभी अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। अब मैं हमारे नेता श्री अर्जुन सिंह बामनिया जी से निवेदन करूंगा कि वे आकर के स्वागत अभिनंदन करें। अर्जुन सिंह जी बामनिया, अखिल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सबके गार्जियन और अब आज के मेहमान सम्मानीय खड़गे साहब, मैं आपका वागड़ की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पधारे हुए आज के युवा दिलों की धड़कन और मेहमान के रूप में सम्मानीय राहुल गांधी जी, मैं आपका इस वागड़ मेवाड़ की धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस बीच में बिराजे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी सम्मानीय डोटासरा जी, सम्मानीय रंधावा साहब, सम्मानीय पायलट साहब, सम्मानीय सीपी साहब, सम्मानीय मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पटवारी साहब, सम्मानीय जूली साहब और सम्मानीय हमारे बीच में विराजमान सीपी जोशी साहब, बड़ी बहन सम्मानीय गिरजा जी, मेरे साथी भाई रघुवीर जी मीणा साहब, ताराचंद जी भगोरा साहब और सम्मानीय मंच, सभी को आज के इस मौके पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानीय राहुल जी साहब, ये वागड़ मेवाड़ की जनता कांग्रेस के साथ में है और आपके दर्शन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए पधारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सम्मानीय राहुल जी की संबोधन तक विराजे और राहुल जी का अभिवादन करके फिर यहां से प्रस्थान करें। मैं लंबा समय नहीं लेते हुए सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में ये जगह जगह से सभी कार्यकर्ता साथी और किसान साथी आप सभी के दर्शन के लिए आए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में है, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, कांग्रेस पार्टी इस वागड़ मेवाड़ में इंदिरा गांधी जी से लगा करके सभी हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ में रही है। मैं राहुल जी और खड़गे साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इमरजेंसी के टाइम पे सम्मानीय इंदिरा गांधी जी यहां पधारने के लिए कार्यक्रम बनाया था, उस कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर नहीं मिला, उतरने दिया और मध्य प्रदेश से बाई रोड गाड़ी में आए और बांसवाड़ा की जनता कुशलबाग मैदान में सुबह 12 बजे तक 3 बजे तक इंदिरा जी के स्वागत के लिए बैठी थी, वही जनता आज आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद अर्जुन जी। अब मैं राष्ट्र ध्वज का हस्तांतरण के समारोह के लिए मैं मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य जीतू जी पटवारी साहब और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासर साहब को आमंत्रित करता हूं कि राष्ट्र ध्वज के हस्तांतरण का प्रक्रिया को संपन्न करवाएं।
दोनों प्रदेशों के सेवा दल के अध्यक्ष इस प्रक्रिया को पूरी करवा रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जुली साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। की दुआ करो सलामत रहे ये रोशनी हमारी, हजार आंधियों पर राहुल गांधी जैसा चिराग है भारी, राहुल गांधी जैसा चिराग है भारी। मां त्रिपुरा सुंदरी की इस भूमि पर, इस आदिवासी अंचल से विशेष प्रेम रखने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, मंच पर मौजूद दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, सचिन पायलट जी, हमारे प्रभारी रंधावा जी, सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भाई जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश भाई उमंग जी, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री रहे बामनिया जी, हमारे सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित नेतागण, सभी विधायकगण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल इंटक के सभी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग माताएं बहनें, युवा शक्ति और प्यारे बच्चों, यहां उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम वीर भूमि राजस्थान के अंदर एक ऐसे वीर का स्वागत करना चाहता हूं जिस वीर ने पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऐतिहासिक पैदल यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। एक ऐसा वीर जो निकल पड़ा है सड़कों पर एक टी शर्ट के अंदर, जिसने ना बारिश देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, जज्बा इस देश के आम आवाम के लिए, इस देश के गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, कि देश के अंदर जो संपदा है उसके अंदर उस गरीब की भागीदारी होनी चाहिए, इस लक्ष्य को लेकर चलने वाले हमारे राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में आए हैं। जोरदार ताली बजाकर पूरा आदिवासी अंचल आज उनका स्वागत करे। मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति आज इस आदिवासी अंचल के अंदर, हम उस भगवान राम को मानते हैं जिसने सबरी के झूठे बेर खाए, लेकिन जब राम मंदिर का नंबर आया तो हमारी मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया गया। जब नए राष्ट्रपति भवन, नई लोकसभा के ओपनिंग की बात आई, हमारे राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया। ये इनकी दोहरी नीति है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि गरीब के लिए अगर किसी के दिल में प्यार है तो कांग्रेस है, और अमीर के लिए किसी के दिल में प्यार है तो वो बीजेपी है। कांग्रेस आपके कर्जे माफ करती है, बीजेपी उद्योगपतियों के कर्जे माफ करती है। राहुल गांधी गरीब के लिए लड़ाई लड़ते हैं और नरेंद्र मोदी जी अमीर के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैं साथियों आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आज हमारे देश का आम आवाम गरीब जिस संविधान की वजह से जिंदा है, जिस संविधान ने हमें ताकत दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जो अमीर और गरीब को बराबर रखता है, आज वो संविधान खतरे में है। उस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। ये अपील आप लोगों से करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
अब मैं राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष एवं AICC के महासचिव सम्माननीय सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि वह सभा को संबोधित करें। AICC के हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हम सबके नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, साथियों, आप बहुत देर से बैठे हो, समय ज्यादा हो गया। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इस बागड़ की धरती में बांसवाड़ा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से राहुल जी का स्वागत करें। और दोस्तों, जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी ने यात्रा निकाली है, उसको पूरा करने में हम सबको मिलकर राहुल जी का साथ देना है। आने वाले समय में सब चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। और अभी आपको खड़गे साहब और राहुल जी बहुत महत्वपूर्ण बातें बोलेंगे, समाज के बारे में, देश प्रदेश के बारे में, चुनाव के बारे में। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, किसान भाई, सब मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। इस देश में 10 साल से जो सरकार बनी है, उसने लोगों का शोषण किया है, झूठा प्रचार किया है, जुमले दिए हैं। हम लोग जो कहते हैं वो कर दिखाएंगे। अभी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आपके बीच बोलेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस एकजुटता का परिचय आप सब लोगों ने पहले दिया है, उसी ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना है, चुनौती देनी है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सहयोगी दलों को भारी बहुमत के साथ हाथ के निशान पर वोट डालकर हमें जिताना है। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम साहब। धन्यवाद। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, तमाम सम्मानित नेतागण, आप सबको, सबका इस राजस्थान की बांगड़ की धरती के ऊपर बांसवाड़ा में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे महबूब नेताओं का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आए हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले 4000 किलोमीटर यात्रा, हमारे देश में जो नफरत फैलाई जा रही है केंद्र की सरकार के द्वारा, उसको मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पूरे देश में निकले। और आज जिन 5 मुद्दों को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल जी, ये बांसवाड़ा की वो धरती है जहां कांग्रेस के महान नेता जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सीने पे गोलियां खा रहे थे, वहां पर ये हमारे आदिवासी भी इस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ करके अपने सीने पे गोलियां खा रहे थे। हमारे गुरु गोविंद कि इस धरती के ऊपर ये हमारे आदिवासियों के DNA में कांग्रेस है। कांग्रेस कण कण में है, हर व्यक्ति में कांग्रेस है। और कांग्रेस को मजबूत करने में हमेशा आदिवासी आगे रहा है। और आदिवासी को बढ़ाने में हमारी जब जब भी सरकारें, चाहे केंद्र में रही हैं, चाहे राज्यों में रही हैं, सब जगह हमने इन आदिवासियों भाइयों के लिए और कल्याण के काम किए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आए हैं। मैं समझता हूं मनरेगा जैसी योजना, जिसका जीवन इनको स्तर ऊंचा उठाने में काम किया आदिवासी भाइयों के लिए, ये हमारी UPA सरकार की, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की देन थी, जिसको आज कमजोर किया जा रहा है। हम, हमारे नेता आदरणीय खड़गे साहब और हमारे महबूब नेता आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी को सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय राहुल जी, खड़गे साहब, ये आदिवासी है, इनके DNA में कांग्रेस है। एक चला जाए, 1000 नेता आएंगे, हर कांग्रेस को जिता करके आपकी झोली में डालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हमारे वागड़ के लिए आज का दिन बहुत गौरव का दिन है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब पहली बार हमारी वागड़ की धरती पर पधारे हैं। मैं वागड़ की जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस सभा को जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब।
भाइयों, इस विशाल सभा आपने जो आयोजित किया है, इसमें जो बांसवाड़ी के हमारे भाई बहन किसान नौजवान साथी और मीडिया के दोस्तों सभी आए हैं, इसलिए कि राहुल जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस देश में हो रहा है। तो इस मंच पर आज बैठे हुए युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के चाहते राहुल गांधी जी, सुकेंद्र रंधवा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जुले जी, सचिन पायलट जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, सीनियर नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, सीनियर नेता सीपी जोशी जी, गिरिजा व्यास जी, रघुवीर मीना जी, अर्जुन भामनिया जी, ताराचंद बागोड़ा जी, हेमंत कटेर जी, एआईसीसी के सभी जो नेतागण हैं मंच पे बैठे हैं, पीसीसी के ऑफिस बियरर्स, यहाँ के शासकगण और सारे लीडर्स जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, मुझे खुशी होती है किस विशाल जनसभा में मैं खासकर अपने आदिवासी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। और उसी के साथ जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो दिल से जोर लगाकर इस राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को यशस्वी बनाने के लिए आप जो यहां पधारे हैं, आपको भी फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। और मीडिया के मेरे दोस्त जो हमारे साथ हमेशा हर मीटिंग में जुड़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे तरफ ख्याल नहीं देते, क्या कारण है इसका मुझे भी मालूम नहीं होता। तो भी मैं यही कहूंगा कि जितने भी यहाँ पर मीडिया के दोस्त लोग आए हैं वो हमारे हैं, लेकिन वो मालिक लोग इनको सुधरने नहीं देते, इसीलिए वो हमको मुश्किल में डाल देते हैं। और कहीं कहीं इतनी भारी सभाएं होती है, उसका बहुत से छोटा सा एडवर्टाइजमेंट हमको मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जब टीवी खोलते ही आप किसका फोटो देखेंगे, किसका चेहरा देखेंगे, गारंटी मोदी की गारंटी। ऐसा स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, वही दिखेंगे। क्यों? कि पैसा बहुत है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और वो लोग आज बहुत प्रचार कर ले रहे हैं। लेकिन भाइयों, जब कभी भी कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई है, तब हमेशा गरीबों का ख्याल रख के काम करते हुए आई है। आप हमारे नेता
इंदिरा गांधी जी से लेकर आप देखिए, उससे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश को बनाए, सबके लिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया और आज उस संविधान से ही आप सब लोगों को जो सहूलत मिल रही है वो बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आशीर्वाद से मिल रहा है। और हमको ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हम बहुत कुछ किए हैं, कांग्रेस ने क्या किया? सुबह शाम एक ही बात कहते हैं, वो परिवारवाद परिवारवाद। अरे भाई, कितने बार बोलेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार? सुबह से शाम तक हर मीटिंग में वही। अरे आप क्या काम किए वो बताओ। हम जो काम किए हैं, नेहरू जी क्या काम किए, क्या किए हैं, इंदिरा जी क्या किए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी क्या किए हैं, राजीव गांधी जी क्या किए, हम बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा काम बोलिए? कहीं जाओ कुछ कुछ ना कुछ बोलकर वहां पर समाज को डिवाइड करना, समाज को अलग करना। और इन्हों जब निकल के आते हैं तो बीजेपी के एमएलए एमपी वो अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार करते हैं, पिछड़े हुए जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या इसीलिए लोगों ने आपको इस देश के गद्दी पे बिठाया? आपको देश के लोगों की सुरक्षा करना है, वो छोड़ के बार बार छोटी मोटी चीजें लेकर आप टीका टिप्पणी करते फिरते हो। भाइयों और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो इस देश में हमने जो कार्यक्रम पहले भी बनाए थे, आज भी राहुल गांधी जी ने बहुत सी चीजें कांग्रेस पार्टी को अपने सलाह के रूप में उन्होंने दिया है। और लेकिन बीजेपी की सोच क्या है मैं बताता हूं। बीजेपी की सोच आप जरा ध्यान से सुनिए। आसाम का मुख्यमंत्री कहता है, चंद जातियों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। आप सब शूद्रों में आते हैं और बहुत से लोग यहां मंच पर बैठे हुए हैं वो भी शूद्रों में आते हैं। और उसका कहना, एक मुख्यमंत्री का कहना, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि चंद जातियों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। अरे भाई, हम अगर सेवा करते हैं तो आप सिर्फ क्या मेवा खाने के लिए बैठे हैं? आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? ये लोग तो श्रमिक हैं, शूद्र वर्ग पूरा श्रमिक है, लेकिन आप बैठे जगह खाते बैठे हो। राम नाम जपना परायमाल अपना, राम नाम जपना परायमाल अपना। और पूरे एयरपोर्ट पोर्ट ये सब ये सरकारी आपका माल है, आपका है, ये सब दूसरे अमीर लोगों को बेच रहे हैं। इसीलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए, इस देश में संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो ही आप लोग बच सकते हैं, नहीं तो फिर से हम लोग आदिवासी बनकर जंगलों में रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ऑफिसर बनेंगे नहीं, पैसा कमाएंगे नहीं। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सूत्र के नाते हर गांव में खेती में काम करते रहेंगे, महिला उठाते रहेंगे। क्या यही चाहते हैं आप देश में? और मोदी जी, इनके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। अभी मेरे दोस्त कुछ भाषण करते वक्त कहे, अरे भाई बहुत बड़ा राम मंदिर बनाए हैं,
ठीक है, आस्था है, लोग जाते हैं अपनी अपनी आस्था से मंदिर पे माथा टेकते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं इतने बड़े मंदिर में आप एक आदिवासी राष्ट्र की अध्यक्ष मुर्मा को क्यों नहीं बुलाए? मैं पूछता हूं, बड़े तो बोलेगा कांग्रेस वाले बाइकॉट किए, वो करे ये करे, ऐसा हवा फैलाते हो, लेकिन मुर्मा इस देश की राष्ट्र जो राष्ट्र यानी हमारी प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, तो उस राष्ट्रपति का अपमान आपने किया। जब हमारा पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, क्या आप मुर्मा जी को बुलाया? क्योंकि वो अपवित्र होता है, अगर मंदिर के लिए पूजा के लिए बुलाएंगे वो अपवित्र होता है, अगर पार्लियामेंट को बुलाएंगे वो अपवित्र होता है, ये तुम्हारी सोच है। इससे पहले जो पार्लियामेंट की बुनियाद डाली, कौन थे उस वक्त राष्ट्रपति जी? रामनाथ कोविंद जी। कौन थे वो रामनाथ कोविंद जी? कौन थे बताओ मेरे को? वो एक शेड्यूल कास्ट का नेता था, उसको भी उसमें उन्होंने आने नहीं दिए, और आप बात बड़े बड़े करते हैं हमने वो किया। अरे पहले तो लोगों को आपके साथ लो, शूद्रों को आपके साथ लो, गरीबों को आपके साथ लो, किसानों को आपके साथ लो, युवाओं को आपके साथ लो, महिलाओं को आपके साथ लो। उनको तो साथ नहीं लेते, लेकिन टीका करते घर घर फिरते हो, दिन में तीन तीन मीटिंग करते हैं, काय के लिए भाई? काय के लिए? मेरा पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है बोल रहे, ठीक है भाई आपका परिवार, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के बारे में सोचना ना। लेकिन आप हमेशा सोचते हैं आरएसएस के लिए क्या करना, बीजेपी के नेताओं के लिए क्या करना, यही तुम्हारा विचार है। लेकिन जनता होशियार हो गई, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जगह गरीबों पर अत्याचार हो रहे, और आज राजस्थान रहो दूसरे जगह रहो, ये अत्याचार बीजेपी के लोग नेता लोग इतना करते हैं कि यहां तक कि आदिवासी के एक बच्चे के मुंह में बच्चों के मुंह में यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं। उसके लिए कौन सी शिक्षा आपने दी? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के स्टेट में पहले हुआ था शिवराज चौहान, अब वो पाप बेचारा परेशान है क्योंकि उसको जगह नहीं मिली, वो भटकते भटकते मेरे कान सुन सी आया था गुलबर्ग में, तो वहां भी कुछ कुछ बोला, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूं। और ये सब मैंने जो किया हूं, ऐसा जो मोदी जी बोल रहे, ये सब वोटों के लिए किया, लोगों के भलाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, करना भी नहीं चाहता, सिर्फ वो हमेशा लोगों के खिलाफ बोलते जाता, समाज में जो भागीदारी डिवीजन करने की बात करता है, तो इसीलिए हमको उससे बचना है, उससे बचना है। और आपके जो कानून है, जैसा कि कानून भूमि अधिग्रहण का कानून, वनाधिकार का कानून और पैसा का कानून, ये सब कानून को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को फिर से लाना है। और बीजेपी हमेशा ऐसे कानून को कमजोर करती है, चाहे एससी एसटी का
एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे ये कानून जो आदिवासी के लिए ये कानून हो, ये सभी को कमजोर करने वाले नेता बीजेपी के है। मोदी जी यही काम करते हुए है। जो राजस्थान में विकास के लिए बहुत सी चीजें यहां पर शुरू की थी, ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर किया था, उसको बंद करने की कोशिश चल रही है, और जो यहां पर 25 लाख रुपए लोगों के औषधोपचार बीमारी दुरुस्त करने के लिए 25 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी देती थी, वो भी बंद किया। बंद करके अब सिर्फ 5 लाख वो भी चुने हुए लोगों को देने का उन्होंने वायदा किया है। इससे आप ही सोचिए, कांग्रेस गरीबों के बारे में सोचती है क्या बीजेपी कांग्रेस के बारे में सोचती है, ये गरीबों के बारे में सोचती है? क्योंकि बीजेपी अगर सही सोचती तो कांग्रेस ने जो किया था 25 लाख रुपए खर्च करने के लिए बीमारी के लिए तो रख देते थे। दोपहर का खाना जो देने का था वो भी बंद किया। हर चीज इनके सरकार में बंद होते जाता है, कोई नया तो देते नहीं। मनरेगा का हमने बनाया, उसको कमजोर कर रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने बनाया, उसको कमजोर कर रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई कंपलसरी एजुकेशन हमने करके आज हर जगह स्कूल कॉलेजेस में स्कूलों में हमने कंपलसरी किया, उसको भी कमजोर कर रहे। तो ये हमेशा गरीबों के खिलाफ बीजेपी है, और बीजेपी अगर आप मजबूत करेंगे, मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ काम होगा। भाइयों, इसीलिए हम एक 5 युवाओं के लिए घोषणा करते हैं, जो राहुल जी की मंशा है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। उनके पास आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करना है। इसीलिए पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट युवाओं के लिए भर्ती भरोसा, ये हमारी घोषणा है। आज राहुल जी फिर डिटेल में बोलेंगे, भर्ती भरोसा ये पहला बिंदु हमारा। कांग्रेस की ये गारंटी देश के युवाओं के लिए, जिसमें सबसे पहले हम सभी युवाओं को भर्ती भरोसे की गारंटी हम देंगे, और जो वैकेंसीज है उसको भी हम भर्ती करेंगे, और खासकर हमारे युवाओं को आज जो भटक रहे घर घर, उनको एक दिशा हम दिलाएंगे। और दूसरी बिंदु, सेकेंड, पहली नौकरी पक्की। आज हमको नौकरियां देते हैं कि कौन सी नौकरी देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कौन सी नौकरी देते हैं डेली वेजेस, कौन सी नौकरी देते हैं वो इवन मिलिट्री में भी भर्ती करने का है तो अग्नि वीर की नौकरी, सिर्फ 3 साल के लिए 4 साल के लिए अग्निवीर की नौकरी दिए जैसा करके 4वें साल उसको निकाल देते हैं। फिर उसका पेंशन का क्या होगा, उसके आगे जीने के लिए क्या राह होगा? तो इसीलिए हम जो कुछ भी करेंगे पक्का करेंगे, पक्की नौकरी देंगे, अप्रेंटिसशिप करेंगे, और हर जगह जितने भी डिग्री होल्डर्स है, डिप्लोमा होल्डर्स है, उनको जितने भी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक अंडरटेकिंग है,
वहां पर अप्रेंटिसशिप कोर्स देकर उनको मजबूत बनाएंगे। तीसरा बिंदु है पेपर लीकेज से मुक्ति। आज देश में ऐसे हालात है, सालों तक भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकलती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप सोचिए गांव के छोटे शहरों में बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप कर्जा करके मेहनत करके अपने बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, वो मेहनत करता है साल भर दो साल भर, जब साल दो साल मेहनत करने के बाद वहां पर जो पेपर लीक होती है उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। और कौन ये सरकारें ऐसी ही काम कर रही? यूपी में लीक हुआ, मध्य प्रदेश में तो बहुत लीक होता था, उनका तो व्यापम घोटाला मशहूर है। मैं समझता हूं भारत में ऐसा बड़ा घोटाला कहीं भी नहीं हुआ, उतना बड़ा घोटाला ये मध्य प्रदेश में हुआ। तो इसीलिए हम पेपर लीक से मुक्ति करेंगे और हमारे युवाओं को पक्की नौकरी देने के लिए मजबूत करेंगे। इसके बाद हमारा पांचवा जो है और एक बिंदु है जो राहुल जी ने खासकर गरीबों के लिए उन्होंने एक योजना सोची है, क्योंकि वो जब अपने तमिलनाडु से निकलकर जो कश्मीर तक उनका दौरा था उसमें बहुत से लोगों से उन्हें मिले, गरीबों से, मैकेनिक, ड्राइवर, ये जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, सबसे मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स है, मैकेनिक्स है, कारपेंटर्स है, डिलीवरी बॉयज है, टैक्सी ड्राइवर्स है, इनके समेत इन लोगों को इनकी आमदनी बढ़ना, उनको आर्थिक न्याय मिलना, इसके लिए उन्होंने कोशिश करेंगे। और ये हमारा चौथा बिंदु है गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा देना, ये अपना फैसला है। राहुल जी ने दुख और दर्द साझा किया, उनकी परेशानियां सुनी, जाना कि वो अपने गांव से मिलो दूर शहरों में किन मुश्किल परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें, उनका वेतन कितना, और सभी बातें उन्होंने सुनी है। और खास करके राजस्थान सरकार इन सभी लोगों की भलाई के लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून लाई थी। जो कानून अच्छे हम लाते हैं ये बीजेपी को पसंद नहीं पड़ते, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, लोगों को उचकाते हैं। और हम काम करके हारे, ये बड़ा हमको अजब लग रहा है, लोग बगैर काम करे जीतते हैं लेकिन यह काम करके हारे, इसकी क्या वजह है? क्या हमारी गलती है? क्या को इतने काम हमने किए, इतने सहूलतें दिए, इतने हॉस्पिटल्स में लोगों को जाने के लिए मदद की, तो यहां पर भी हमको थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। और दूसरा और आखिरी ये पांचवा बिंदु है युवा रोशनी। तो युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ की राशि के एक फंड बनाया जाएगा और वो फंड हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा
अगर हो सकता है तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम आगे, क्योंकि युवाओं के लिए एक दिशा दिखाना है, एक रोशनी देना है, तो एक काम भी हम करने के लिए तैयार है, ये हमारी गारंटी है। हमारी गारंटी मोदी जी जैसा नहीं है, उन्होंने ये तो हमारी गारंटी तो पक्की गारंटी होती है, मोदी जी के जैसा गारंटी नहीं है। उन्होंने हमेशा यही कहते रहे कि मैं हर एक को कितने करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां मिले आपको, 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, मिला? अरे नोटबंदी जीएसटी करके तो देश के गरीब लोगों को बर्बाद किया, फिर भी मोदी 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 बोलते, क्या मेरे को समझ में नहीं आया। अरे जो आदमी गरीबों को परेशान करता है, बर्बाद करता है, उसके भजन करते हो? इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप डट के रहो, अगर आप एक रहेंगे, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, गरीब लोग, किसान एक रहेंगे, मोदी ऑटोमेटिकली झुकेगा और भाग जाएगा सत्ता से, सत्ता से भागेगा। तुम्हारी एकता की जरूरत है, इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जो काम हमको करना है आप जरूर कीजिए, और उसके बाद में मैं पहले भी कुछ बातें कही थी और वो सभी बातें हमने दूसरे मीटिंग में कही थी कि एमएसपी हम लीगल गारंटी देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, क्योंकि ये जातिगत जनगणना अगर हम करेंगे तो आदिवासियों की हालत क्या है, जमीन कितनी है उनके पास, पैसा कितना है, एजुकेशन कितना हुआ है, और चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, औरतें हो, उनकी हालत क्या है, ये सब कुछ मालूम होगा। इसीलिए हम लोग वो जाति के जनगणना के, ये तो दो हमने पहले कहा, और चौथी जो युवाओं के बारे में मैंने अभी बताया, जैसा कि राहुल गांधी जी का एक मार्गदर्शन में वो हमने तैयार किया है और वो आपके सामने हमने रखा है ऑलरेडी। और काम नहीं है, जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत से नौकरियां हैं सरकार में, एडेड इंस्टीट्यूशन में, पुलिस में, मिलिट्री में, सरकारी नौकरी में, रेलवेज में, नजदीक 30 लाख नौकरियां हैं, 10 लाख तो सरकारी ऑफिसरों के इसके हैं, सरकार में काम करने वालों का, दूसरे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, और जो सेमी गवर्नमेंट्स हैं, उनमें सब मिला के 30 लाख नौकरियां हैं। मोदी जी, आपको भर्ती करने का वक्त क्यों नहीं मिल रहा है? आपको समुन्द्र में डूबने को वक्त मिलता है, आपको हर जगह जाके दर्शन लेने को समय मिलता है, लेकिन जो जनता जनार्दन है, जनता को हम जनार्दन कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके दर्शन के लिए तुम तैयार नहीं है। तो ये मोदी जी की हमेशा रवैया रही, लेकिन हमको अब होशियार बनना चाहिए और एक होकर हम इस चुनाव में
अगर लड़ेंगे तो मैं कहूंगा सबसे हमको उम्मीद है इस बार हो सकता है हम असेंबली में हारे होंगे लेकिन पार्लियामेंट में हम जरूर जीतेंगे और पूरी ताकत के साथ हम जीतेंगे और मोदी जी को बताएंगे अरे भाई सिर्फ कुछ बोलने से कुछ कहने से नहीं होता काम करने से होता ये हम दिखाएंगे। तो आखिरी में एक ही मैं शायरी बोल के अपने बात को खत्म करता हूं। न मस्जिद को जानते हैं न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं न मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है कि मेरी यही चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूं जैसा कि राहुल जी हमेशा हर भाषण में कहते हैं मोहब्बत की दुकान लगाओ मोहब्बत की दुकान लगा के लोगों को प्यार बांटो। तो यहां वो नहीं है बीजेपी में यहां बीजेपी में हमेशा वो बोलते हैं विष बांटो कि ताकि लोग मरने दो जल्दी। तो ये वो काम हमारे राहुल जी कर रहे हैं तो वो क्या है मैं अमन पसंद हूं मेरे शहर में दंगा रहने दे मेरे शहर में दंगा रहने दे लाल और हरे में मत बांटो लाल और हरे में मत बांटो मेरी छत पर तिरंगा रहने दो मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। बस इसके लिए हम काम करना है और आप सभी लोग हमारे राहुल जी के ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी सभी लोग कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद देते हुए मेरे चार शब्द को खत्म करता हूं। जय हिंद जय हिंद। अरे जोर से बोलो भाई मैं इतना चिल्ला चिल्ला के भाषण किया लेकिन आप वो बोल रहे हैं जय हिंद जय हिंद जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस। नमस्कार सबको। अब मैं चाहूंगा हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए और हम तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हमारे योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी खारगे जी रंधावा जी दोतासरा जी जूली जी सचिन पायलट जी जीतू पटवारी जी उमंग सिंघार जी दिग्विजय सिंह जी कमलेश्वर पटेल जी सीपी जोशी जी गिरजा व्यास जी रघुबीर मीना जी अर्जुन बमानिया जी ताराचंद भगोरा जी स्टेज पे वरिष्ठ नेता हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। थोड़ा प्रोग्राम लेट चल रहा है आपको यहाँ थोड़ा ठहरना पड़ा इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक साल पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक
हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले, राजस्थान से निकले 4000 किलोमीटर, समुद्र से हिमालय तक चले और रास्ते में हजारों लोगों से मेरी डायरेक्ट बातचीत हुई, युवाओं से, बुजुर्गों से, किसानों से, शायद उस साल मैंने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों से बात की, शायद मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने सबसे ज्यादा लोगों से बात की, 8 घंटे, मिनट के बाद मिनट के बाद मिनट के बाद मिनट, कोई नया आता था, अपनी बात रख के चला जाता था। किसानों ने अपनी बात रखी और हमने अपने मैनिफेस्टो में उनके लिए एक क्रांतिकारी काम किया है। पहली बार हिंदुस्तान में लीगल गारंटी किसानों की एमएसपी के लिए दिया है हमने, मतलब कानून बनाया है कि उनको लीगल एमएसपी मिलनी चाहिए। जो किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, जिनको सड़कों पे रोका जा रहा है, उनकी मांग हमने पूरी कर दी है अपने मैनिफेस्टो में। जाति जनगणना की मैंने बहुत बात की है, थोड़ा सा आज कहना चाहता हूं। देश में 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी भाई बहन है, 15% दलित हैं और तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। सब मिलाकर तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी, उसमें आप 5% और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मिला दीजिए, यह है हिंदुस्तान की आबादी। मगर अगर हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, हिंदुस्तान के बजट को देखें, हिंदुस्तान के धन को देखें, तो इन लोगों की भागीदारी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आदिवासी वर्ग हैं आप, राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हैं हैंगे ना? ठीक है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्यों नहीं? ये फिर से बोलो, क्यों नहीं? क्योंकि वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। सोच वहां से शुरू होती है। आपने टीवी देखा, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आपने किसी गरीब को देखा? किसान, मजदूर था? कौन था? अंबानी था, अदानी था, बॉलीवुड की पूरी लाइनअप थी, सारे के सारे थे।
उद्योगपति अरबपति थे, मगर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक गरीब नहीं था, एक किसान नहीं था, एक बेरोजगार युवा नहीं था, एक विकलांग नहीं था, कोई नहीं था। दो हिंदुस्तान बने हुए हैं, एक 5% वाला और दूसरा बाकी लोगों का। और किसी भी एरिया में आप देखो, कहीं भी देखो, आपको पिछड़े दलित आदिवासी नहीं दिखने वाले। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों के नाम पढ़ो, एक आदिवासी नहीं मिलेगा आपको। मैंने चेक किया है, मैंने लिस्ट निकाली है सबकी, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाली है, अदानी जी आपकी जमीन लेते हैं, आपका जल छीनते हैं, जंगल छीनते हैं, मगर उनकी कंपनी में सीनियर लेवल पे आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में नहीं मिलेगा। मीडिया में देखो, खारगे जी कह रहे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखते हैं, कारण है, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, इनके बड़े बड़े रिपोर्टर्स की लिस्ट निकालो, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90% हो आप हिंदुस्तान के, 90% उसमें गरीब जनरल कास्ट भी जोड़ दो, 5% और ले लो और जोड़ दो। मीडिया में आपका कोई नहीं, बड़ी कंपनियों में आपका कोई नहीं। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर है, राजस्थान में भी वही है, यहां पे राजस्थान की सरकार को 60-70 लोग चलाते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। दिल्ली वाली मैंने निकाली है, उत्तर प्रदेश की निकाली है, राजस्थान की नहीं निकाली है, निकाल दूंगा, आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 3 दलित हैं, एक आदिवासी। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी अफसर जिनकी आबादी 8% है, वो 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय लेता है, तो आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं। तो फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा, भाई ये कंपनियों में नहीं है, ये मीडिया में नहीं है, ये प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं है, ये सरकार में नहीं है, तो है कहां? फिर मैंने मनरेगा की लिस्ट निकाली, उसमें आदिवासी पिछड़े दलित सब भरे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकाली, मजदूरों की लिस्ट निकाली, उसमें भरे हुए हैं। 90% का काम हिंदुस्तान में मजदूरी करने का है, 5% का काम देश की हर संस्था को कंट्रोल करने का है। कहीं भी देख लीजिए आप, तो ये हिंदुस्तान की प्रगति का सबसे बड़ा सवाल है। प्रगति करनी है तो एक ऐतिहासिक काम करना होगा, जैसे जब तो चोट लगती है डॉक्टर आपसे कहता है एक्सरे करो, कहता है ना, कहता है, वैसे ही मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के गरीबों को चोट लग रही है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को चोट लग रही है, एक्सरे करा दो।
और मैं तो कह रहा हूं एक्सरे के बाद मैं एमआरआई भी कराऊंगा। कितना पैसा कितने किसके हाथों में है, कौन सी संस्था किसके कंट्रोल में है, मीडिया में कितने लोग आदिवासी दलित पिछड़े, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने आदिवासी दलित पिछड़े, प्राइवेट स्कूल कॉलेज, ये सारा का सारा निकाल दूंगा मैं। और फिर आपको अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी। आज आपको बात नहीं समझ आ रही, आप सोच रहे हो कि आप में शक्ति नहीं है। 10 में से 9 लोग आप हो, और आपके सब रास्ते बंद कर दिए। पहले आर्मी में जाते थे, अग्निवीर कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। पहले पब्लिक सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल होते थे, अच्छे चलते थे, पूरे का पूरे बंद कर दिए। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, बंद कर दिए प्राइवेट। तो जहां जब भी आपके जेब से पैसा निकलता है, वही 5% के जेब में जाता है। पेट्रोल का पैसा भरते हो, 5% के जेब में जाता है। सड़क पे टोल देते हो, 5% के जेब में जाता है। फल खरीदते हो, 5% के जेब में जाता है। आप जितनी जीएसटी देते हो, उतनी अदानी देता है। आप टी शर्ट खरीदो, 200 रुपए की टी शर्ट खरीदो, 300 रुपए की टी शर्ट खरीदो, वो खरीदे, जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। आप मजदूरी करते हो, वो प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ता है, टैक्स एक जितना। तो जाति जनगणना से ये सब साफ हो जाएगा, देश को पता लग जाएगा, 90% को समझ आ जाएगी बात, भैया कैसे हमें इस देश में ठगा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी थी। युवा आते थे, मैं पूछता था क्या करते हो, राहुल जी बीटेक हूं, एमबीए किया, मेडिसिन पढ़ी, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं, क्या करते हो, कुछ नहीं, रोजगार नहीं है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक युवा कुली का काम कर रहा था, मेरे पास आता है, राहुल जी मैं तो इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने, 5-10 लाख रुपए मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दिए, अब मैं कुली का काम कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकोड़े बेचो, और सबसे जरूरी मुद्दा है देश का, देश के सामने। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप,
का अधिकार देने जा रहे हैं और ये अधिकार हर ग्रेजुएट हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा के एकदम बाद एक साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में सरकारी ऑफिस में एक साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1,00,000 रुपए उसे एक साल में दिया जाएगा और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और ये अधिकार होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। ये मनरेगा जैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार अप्रेंटिसशिप का आपको दे रहे हैं। इससे देश में करोड़ों युवाओं को फायदा होगा, ट्रेनिंग मिलेगी और पहला साल का, एक प्रकार से पहले साल का रोजगार मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे युवा आए, कहते हैं राहुल जी हमने एग्जाम की तैयारी की, हम गरीब हैं, 3-4 महीने हमने मतलब रात दिन कर दिए, एक कर दिए, एग्जाम के दिन पता लगता है 5% वालों के टेलीफोन पे पेपर लीक। हम ईमानदारी से काम करते हैं और जिनके पास धन है पेपर चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि देखिए पेपर लीक हो गया तो आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस की भर्ती में होता है, पटवारी, सब भर्तियों में होता है। तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है प्राइवेट कंपनियों को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी, एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और इस प्रकार से करेगी और अगर इस प्रकार से नहीं किया और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाला है। चौथी चीज युवाओं के लिए, बहुत सारे युवा उबर ओला डिलीवरी का काम करते हैं, इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं और राजस्थान में हमने इनके लिए कानून बनाया था, इनकी रक्षा के लिए, इनकी पेंशन के लिए, इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। जो कानून हमने राजस्थान में बनाया था वही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, उबर का काम, ओला का काम, ये पिज्जा डिलीवरी जो होती है, ये जो सब युवा हैं इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके, तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना रहे हैं। और पांचवी चीज, ये भी ऐतिहासिक चीज, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंडअप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा,
वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला ना मेक इन इंडिया मिला। तो हमने 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है और हर डिस्ट्रिक्ट में यह फंड रहेगा। 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए, गरीबों के लिए यह फंड दिया जाएगा। तो गरीब युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, ये अगर छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये स्टार्टअप फंड उनकी मदद के लिए किया जा रहा है। तो ये 5 ऐतिहासिक काम है युवाओं के लिए। भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसीज भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक वाला कानून, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के लिए। तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपके साथ हम खड़े हैं। हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिकरण कानून लाए, और जो भी हम आपके लिए कर सकेंगे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जल जमीन जंगल के लिए, हम आपके लिए करेंगे, दिल से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश पंड्या जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय राहुल गांधी जी, मंचासीन हमारे प्रदेश, उत्साहित है, प्रेरित है, और ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में आपके सपनों के भारत में वागड़ का क्षेत्र सहभागी होगा। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमेशा हम पर बना रहे। इस धरती पर सभी राष्ट्रीय नेताओं ने वागड़ को हमेशा आशीर्वाद दिया है। आज आपकी उपस्थिति भी और विशेष करके हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार यहां पर पधारे हैं, मैं वागड़ की जनता की ओर से सहृदय आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां पर हमें संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।